जैसे मैं कई बार आपको भी कहता हूँ कि अगर आप क्लास को इसलिए पढ़ते हैं कि नहीं इसको पढ़ करके नौकरी मिल जाएगी, तो शायद नौकरी ना मिले, मिल भी सकती है, बट ये इसको श्योर शॉट नहीं कहा जा सकता कि मिलेगी। लेकिन आप लिटरली अगर पढ़ने के लिए अभी पढ़ रहे हो, यू आर इंजॉइंग वॉट एवर द सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग फॉर दीज प्रेपरेशन, वेदर इट्स इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, आप एक नई आंख डेवलप कर पा रहे हैं इन सब्जेक्ट्स को देखने के लिए, एंड यू आर इंजॉइंग योर लर्निंग प्रोसेस, लाइक वॉट एवर जो पहले नहीं हो पाया स्कूल के टाइम में वो अभी हो पा रहा है, तो शायद आप 4, 5, 6, 7 एग्जाम्स एक साथ क्लियर कर लो। लेकिन अगर किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो शायद नहीं कर पाओगे। तो वही बात यहां पे भी लिखी हुई है, आप गलत रास्ता चुनते हैं। हम ये नहीं कहते कि करना नहीं है, करने का सही रास्ता ये है, हम करते ऐसे हैं, सीधा रास्ता होता है बट हम उल्टा जाते हैं वहां पे। तो क्योंकि जिंदगी में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, तो हमारे अंदर का जो इंसान वो परमानेंस ढूंढ रहा होता है फिर, कि कौन सी चीज इटर्नल है, कौन सी चीज रह जाए, ना लोग साथ में है, नौकरी साथ में, ना जीवन साथ में है, हर चीज ट्रांजिएंट स्टेट में है, लगातार बदलाव हो रहा है, चेंज इज समथिंग दैट इज परमानेंट।